तो अभी आप जॉब करते हो या पढ़ते हो? नहीं, जॉब करता हूँ भाई। बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली के जो हमारे दोस्त हैं, यूट्यूबर में भी हैं और ऐसे भी हैं। राजेंद्र प्लेस मेट्रो है, यहाँ पे कितनी कंपनियाँ हैं लगभग जो विदेश भेजती हैं? कम से कम आपके नॉलेज में जो भी हो। मेरी नज़र में है 50 से ऊपर ही हैं। हाँ, ये जो टावर हैं बड़े बड़े दिखते हैं, पद्मा टावर, बड़े बड़े टावर, बहुत सारे टावर हैं यहाँ पे। इतने भी वर्क होते हैं सब विदेश भेजने वाले हैं, नहीं भाई? सब विदेश, फॉरेन कंट्री के काम होते हैं। तो मैं आज यहाँ से निकल रहा था और इन भाई से मिल करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये झील तो आप लोगों को याद ही होगा। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार दृश्य होता है यहाँ पे शाम के समय। सुबह भी बहुत अच्छा मौसम होता है घूमने के लायक। मैं जब भी इधर आता हूँ घूमने के लिए तो इधर चला आता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ बिल्कुल बिल्डिंग के ठीक पीछे। तो मैं अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ राजेंद्र प्लेस में। यहाँ से वैसे बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे। एक ही कंपनी नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे कंपनी है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं निकल रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देता हुआ चलूँ। ठीक हमारे पीछे है बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग, पद्मा टावर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ इंडिया वाले ब्लॉग से आप लोगों के हेल्प के लिए इधर आया हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि मैं मौजूद हूँ राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास। पद्मा टावर बिल्डिंग के बिल्कुल ठीक पीछे ये झील है, वहीं पर मैं मौजूद हूँ। एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था, उनका कुछ काम था, हेल्परी की जो है जॉब में जा रहे हैं सऊदी अरबिया। 25 से 30 हज़ार समथिंग अबाउट उनका सैलरी लगाया है, लेकिन ये जा रहे हैं एजेंट के थ्रू। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक गैंग है पूरी 8 से 10 लोगों की, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है और इंटरव्यू हुआ। देखो जा रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, वो वीडियो में आना थोड़ा पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वीडियो में उनको नहीं लाया। मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप जाओ। मैंने उनको वहीं छोड़ दिया और मैं इधर चला आया पीछे बैक साइड में। तो यही है कि 25 से 30 हज़ार समथिंग दे रहा है, ओवर टाइम 4 घंटे का दे रहा है, लेकिन ये तो ठीक है। अभी प्रोसेस में है ये सारा काम इनका, देखो कहाँ तक पहुँचे हैं ये। अभी इनका जो काम है, इंटरव्यू हो गया है, पास हो चुके हैं, 12 लोग हैं लगभग। अभी इनका मेडिकल होना है, मेडिकल जब हो जाएगा इनका तो देखो पास होते हैं कि फेल होते हैं, ये मेडिकल के ऊपर है, ये कंपनी के ऊपर है। क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंपनी वालों का खुद का एक कार्ड बना करके देते हैं कि आपको इसी जगह पे जा करके मेडिकल करवाना है। 5 से 7 हज़ार रुपया गम का मेडिकल का आता है। एक छोटा मेडिकल होता है जो 1000 रुपये की पर्ची काट के देते हैं, वो तो लोकल होता है, फर्स्ट ए कराते हैं, सेकेंड वो 6-7 हज़ार वाला करवाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा खर्चा आता है, 6 से 7 हज़ार। कुछ कुछ कंपनियाँ होती हैं जो 5 से 7 हज़ार में भी कर देती हैं, लेकिन इनका अपना खुद का साइट होता है जहाँ पे ये लोग भेजते हैं। तो अभी इनका प्रोसेस है, 1000 रुपये की पर्ची कट चुकी है और वो गए हैं। देखो आज हो जाएगा उनका मेडिकल या फिर कल होगा, रिपोर्ट तो लगभग 24 घंटे के बाद ही आएगी, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। नहीं हुआ तो यहीं से ही कैंसिल हो जाएगा इनका। जाओ भाई, आप अनफिट हो, घर जाओ। तो यही सब प्रोसेस होता है। आप लोगों को आप पता कैसे करोगे कि वैकेंसी रियलिटी में है कि नहीं है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ यार। स्टार्टिंग से बताएंगे आप लोगों को कि पासपोर्ट कब बनवाना चाहिए आपको और कितनी एज में आपको विदेश जाना चाहिए, सही तरीका क्या है विदेश जाने का। यदि आप हमारे साथ बने रहोगे तो सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाऊँगा। और इंडिया वाले ब्लॉग में यार बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।